भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा बड़वानी भाजपा कार्यालय में मीडिया से रूबरू हुए और पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पर तीखी टिप्पणियां की। किसान कर्ज माफी में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, बोले शिवराज सिंह चौहान को सबूत देने गए पर किसी ने बैंक की कर्ज माफी नहीं बताई। ऊर्जा मंत्री विद्युत मंडल का हिसाब किताब ठीक से कर ले, 23 मई के बाद प्रदेश में घनघोर अंधेरा छाने वाला है। कंप्यूटर बाबा की संत समाज में विश्वसनीयता कम है। हार्दिक पटेल के मोदी बयान पर कहा कि पटेल अपनी साख देश में ही नहीं गुजरात में भी खत्म कर चुके हैं। कृषि विभाग की वेबसाइट से 21 लाख किसानों के आंकड़े उतारे, जबकि वास्तविकता में 21,000 किसानों का भी कर्ज माफ नहीं हुआ है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी की खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट की एक भाषण कला के प्रशिक्षण की वर्कशॉप यहां पर आयोजित की गई है, उसमें मुझे सत्र संबोधित करने आना था, उस निमित्त मेरा यहां पर आना है। क्या कारण है कि अच्छे दिन का नारा भूलकर राष्ट्रहित पर आ गए भाजपा? नहीं, अच्छे दिन में राष्ट्रहित भी तो शामिल होता है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, राष्ट्रहित रहेगा तो अच्छे दिन भी रहेंगे। नोटबंदी, कालाधन, जीएसटी की बात नहीं कर रहे इस बार? नोटबंदी, जीएसटी और कालाधन ये बीते समय की बात हो गई है। सूरत और गुजरात के समय में जनादेश जिस तरह से प्राप्त हुआ, इन सब बातों का प्रत्युत्तर देश को प्राप्त हो गया। फिर ये बड़ा जो ऊर्जा मंत्री उन्होंने कहा है कि सीएम कहते हैं पूर्व सीएम शिवराज जी कि कांग्रेस की लोली लंडी सरकार ही गिर जाएगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि शिवराज जी खुद लंगड़े हो जाएंगे। तो ये बात तो अपने विद्युत मंडल का हिसाब किताब ठीक कर ले। आशंका ये है कि 23 मई के बाद पूरे मध्य प्रदेश के अंदर घोर और घनघोर अंधेरा छाने वाला है। वो अपने विभाग की देखभाल कर ले। 324 कर्मचारियों को विद्युत मंडल के निलंबित कर दिया गया है, और इस कारण निलंबित कर दिया गया कि विद्युत की आपूर्ति ठीक ढंग से कमलनाथ जी और उनके ये मंत्री प्रियव